हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में 28 अप्रैल को एक उपपल खत्री परिवार में पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उपपल और मां का नाम धर्मकौर था। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 1805 के वसंतोत्सव पर एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने आयोजित किया था, हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने तथा अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। शीघ्र ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वासपात्र सेनानायकों में से एक बन गए। सरदार हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेनानायकों से की जा सकती है। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की जीत के पीछे हरि सिंह का नायकत्व था। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी के परे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने तक पहुंचा दिया। हरि सिंह की मृत्यु के समय सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद तक पहुंच चुकी थी। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की। खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया। इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे। हरि सिंह नलवा कश्मीर, पेशावर और हजारा के प्रशासक गवर्नर थे। सिख साम्राज्य की तरफ से उन्होंने एक मुद्रालय स्थापित किया था, ताकि कश्मीर और पेशावर में राजस्व इकट्ठा किया जा सके। महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल बादशाहत के बीचों बीच तक विस्तार किया था। महाराजा रणजीत सिंह के सिख शासन के दौरान 1807 से लेकर 1837 तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों के खिलाफ लड़े। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर नलवा ने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की व्यवस्था की थी। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसाजी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। इन्हें शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह नलवा थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह मुकाबले को सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में से चीर डाला। उसकी इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो, तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1837 में जब राजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरत के किले की ओर बड़ी सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन एक महीने तक मदद के लिए कोई सेना नहीं पहुंची। सरदार हरि सिंह अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1892 में पेशावर के एक हिंदू बाबू गज्जू मल कपूर ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक बनवाया।